हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। गाइस, आज मैं उन सभी भाइयों के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ जो वेरिएबल पावर सप्लाई को बनाते हैं या बनाने के लिए वीडियोस को देखते हैं, लेकिन उन्हें कनेक्शन बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। मुझे भी, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ ना हो, इसलिए मैं इस वीडियो को क्रिएट कर दे रहा हूँ। जैसे कि हमेशा वीडियो पर क्या होता है कि एक आपको बक कन्वर्टर दिया जाता है और दूसरा वोल्ट मीटर दिखाया जाता है, लेकिन दोनों के जब कनेक्शंस करते हैं तो हमें कुछ समझ में ही नहीं आता है कि इसे यूज कैसे करना है, क्योंकि वो लोग तो एलईडी को निकाल सकते हैं दोनों इस तरीके की, जो वॉल्यूम और जो हमारा एम्पियर का मीटर है, मतलब पोटेंशियल मीटर है, इसे निकाल करके एक्स्ट्रा लगाते हैं। तो उस कंडीशन पर क्या होता है कि इसे हम कनेक्शन कर नहीं पाते हैं। इस पर देखो इतने सारे वायर हैं, इस पर 5 वायर है और भी इसमें सॉकेट यहाँ पर दिए हुए हैं, तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हो। तो आज मैं आपको पूरा क्लियर करके बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा लॉन्ग जरूर बनेगा, लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ कि आप अगर वीडियो को स्किप करोगे तो हो सकता है कि आपको वीडियो फिर से देखना पड़ जाए, क्योंकि ऐसे टॉपिक्स आपको शायद ही हमारे चैनल पर अवेलेबल मिलते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारे बक कन्वर्टर से, जो कि इजी कनेक्शन होता है, तो मैं आपको यहीं से समझाना स्टार्ट करने वाला हूँ। बक कन्वर्टर पर क्या क्या होता है वो सिंपल सा समझ लो। यहाँ पर दो आपको मॉस्फेट देखने को मिल जाएंगे, साथ ही यहाँ पर 4 कैपेसिटर मिलेगा, एक यहाँ पर कॉइल मिल जाएगा, 2 पोटेंशियोमीटर मिल जाएंगे देखने को, और एक LED, और यहाँ पर 4 इस तरीके के फीमेल सॉकेट मिल जाएंगे जिस पर हम वायर को कनेक्ट कर पाएंगे। अब काफ़ी लोग ये सोचते हैं भाई हम वोल्ट मीटर क्यों लगाएं, डायरेक्ट तो हम यहाँ से कर सकते हैं, मतलब यहाँ से इनपुट देंगे और यहाँ से आउटपुट देंगे तो हमारे साथ वोल्टेज एम्पियर मिल जाएगा। सही बात है, आपको मिल जाएगा, लेकिन इस पर आपका ही प्रॉब्लम होगा। क्यों? क्योंकि आपको पहले से पता तो होगा नहीं कि आप यहाँ पर कितनी वोल्टेज इनपुट करवा चुके हो और कितना आउटपुट एम्पियर आप ले चुके हो, क्योंकि यहाँ पर आपको दो अलग अलग यहाँ पर मल्टीमीटर को कनेक्ट करना पड़ेगा इसे समझने के लिए। और मॉडल यहाँ पर आप देख सकते हो CF309A, और ये हम कंपनी का है कि ये 10 एम्पियर या 30 एम्पियर के करीब में ये आउटपुट आपको दे देगा, अच्छा खासा इस पर लोड भी आ जाएगा। आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट इसका कनेक्शन समझते हैं। देखो सिंपल सा है कि आज मैं आपको ना ही तो पोटेंशियोमीटर खोल के दिखाऊंगा और ना ही यहाँ पर LED को मैं खोल करके दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मैं वेरिएबल पावर सप्लाई नहीं बना रहा हूँ, बस आपको कनेक्शन करके बताने वाला हूँ, टेस्ट करके दिखाऊंगा। यहाँ पर आपको 2 पॉइंट साफ साफ देखने को मिल जाएंगे, प्लस इनपुट माइनस इनपुट, फिर उसी तरह आउटपुट माइनस है और आउटपुट प्लस है, यानी कि यहाँ पर आप इनपुट दे सकते हो, यहाँ से डायरेक्ट आप आउटपुट ले सकते हो। लेकिन जब हम इस यहाँ पर वोल्ट मीटर की बात करते हैं तो वोल्ट मीटर पर आपको यहाँ पर 5 वायर देखने को मिल जाते हैं। अब 5 वायर में से भी आप लोग काफ़ी लोग ये सोचते हो कि यहाँ पर रेड और ब्लैक वाला वायर है तो ये हमारा पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, पर ये वाला बताओ कि ये क्या है? इस पर भी तो पॉजिटिव नेगेटिव पर ब्लैक और रेड का वायर लगा हुआ है, तो यही आपको थोड़ा समझना होगा। वीडियो को लास्ट तक देखना, थोड़ा ध्यान से समझना, प्रॉब्लम होता है तो नीचे कमेंट कर दो या आप हमारे इंस्टाग्राम टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर भी कमेंट करोगे तो मैं फोटो वीडियो के थ्रू आपको मैं बता पाऊंगा। तो यहां पर देखो सिंपल सा कनेक्शन समझेंगे। सबसे पहले इस मोटे वाले वायर का बात कर लेते हैं, जो कि आपको आगे पता चलेगा। ये जो दोनों मोटे वाले वायर है ये हमारे होते हैं एम्पियर के लिए, लेकिन यहाँ से एम्पियर भी आउटपुट निकालना आपके लिए चैलेंजिंग वाला काम होता है, क्योंकि आउटपुट यहाँ से डायरेक्ट नहीं निकलेगा, पूरा कनेक्शन आपको समझना होगा। अब यहाँ पर जो रेड और ब्लैक वाला वायर है, पतला वाला, ये हमारा रहता है इनपुट के लिए, यानी कि जो आप इनपुट दोगे वो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा पावर सप्लाई के हिसाब से। और जो येलो वाला वायर है, ये येलो वाला वायर हमारा मेजर करता है कि आप कितनी वोल्टेज आप इस पर इनपुट करवा रहे हो, क्योंकि जब आप इनपुट मान लो 12 वोल्ट कर देते हो तो आउटपुट पर भी आपको लास्ट 12 वोल्ट तक ही आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप इनपुट ज़्यादा वोल्टेज लगाते हो तो उस टाइप पर क्या हुआ कि आपका इनपुट वोल्टेज नहीं बताना चाहिए, आउटपुट वोल्टेज बताना चाहिए इस वाले पॉइंट से। तो बस यही आपको टोटल 5 वायर का इसका कनेक्शन था। अब कनेक्शन कैसे करना है चलो वो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर ये पतले वाले वायर से, मोटे वाले वायर को मैं हटा दे रहा हूँ। तो पतले वाले वायर पर सिंपली करेंगे क्या कि हमारा जो प्लस और माइनस पिन है, यानी कि रेड वाला प्लस है और ब्लैक वाला माइनस है, तो एक रेड को यहाँ से ले लेंगे और साथ ही दूसरा वाला जो रेड है, यानी कि एक हमें एक्स्ट्रा वायर लेना पड़ेगा, क्योंकि पावर सप्लाई हम लगाएंगे तो पावर सप्लाई के लिए यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा वायर की जरूरत पड़ने वाली है। तो ये देखो एक एक्स्ट्रा वायर लेना है और एक ये वाला रेड वाला वायर लेना है। अब इन दोनों को एक साथ इस तरीके से शॉर्ट कर देना है। चलो मैं कर लेता हूँ। इस तरीके से शॉर्ट करने के बाद अब आपको करना क्या है कि हमारे जो यहाँ पर वोल्ट मीटर था, वोल्ट मीटर के इनपुट वाले पॉइंट पर, यानी पॉजिटिव इनपुट पर इसको कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से इस पर लगा देते हैं। देखो ये लग चुका है। अब हमारा दूसरा काम होगा
इसके इनपुट माइनस पे। तो हमें यहाँ से एक वायर को ले लेना है जो हमारा इनपुट माइनस रहेगा, जो कि पतला वाला ब्लैक वाला वायर रहेगा। आपको आसानी से समझा रहा हूँ तो आप आसानी से समझ जाओगे। अब फिर से एक्स्ट्रा वायर एक लेंगे और इस वाले एक्स्ट्रा वायर को हमें इसके साथ इस तरीके से कनेक्ट कर देना है और इसे लगा देना है हमारे माइनस इनपुट पर। अब यहाँ पर हमारे दो इनपुट के जो वायर है वो हमारे पास आ चुके हैं, यानी कि ये हमारा हो गया इनपुट वाले वायर। तो इन दोनों वायर को मैं यहाँ से साइड कर दे रहा हूँ जिससे आपको बाकी के कनेक्शन में आपको इजीली से बता पाऊँगा। आप बस लास्ट तक वीडियो को देखते रहना, आपको सभी कुछ आसानी से मैं समझाऊँगा। अब यहाँ पर हमारा तीसरा कनेक्शन आता है हमारे एम्पियर के साथ, यानी कि एम्पियर वाले पॉइंट पर जो हमारा ब्लैक वाला वायर रहेगा ये हमारा हो जाएगा आउटपुट माइनस। अभी आप लोग सोचोगे भाई ये तो हमारा डायरेक्ट हमारे वोल्ट मीटर पर आ चुका है, तो अभी आप लोग रुको, आप लोग थोड़ा देख लो कनेक्शन, मैं आपको क्लियरली बताने वाला हूँ। ये वाला जो ब्लैक वाला वायर है ये हमारा आउटपुट के माइनस वाले पिन के साथ कनेक्ट हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर इसे लगा दे रहा हूँ। ये देखो कुछ इस तरीके से मैंने इसे लगा दिया। अब आपको करना क्या है, अब आप लोग बोलोगे भाई यहाँ पर तो हमें अब क्या दो वायर देखने को मिला, तो क्या हमारा ये दोनों आउटपुट का हो जाएगा? नहीं, अगर आप ऐसा करते हो तो आपका पावर सप्लाई कंप्लीट नहीं होगा। अब आपको यहाँ पर करना होगा थोड़ा सा एक जुगाड़। वो जुगाड़ क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये जो आप येलो वाले वायर को देख रहे हो ना, ये वाले वायर को, इस पर हमें एक और एक्स्ट्रा वायर लगाना है सबसे पहले। यही हमारा काम है तो हमें यही वाला करना पड़ेगा। तो मैं इसे यहाँ से लगा करके पहले सोल्डर कर लेता हूँ, फिर मैं बताता हूँ। ये देखो ये मैं सोल्डर करके ले आया हूँ। अब क्या करना है, ये जो हमारा येलो वाला वायर है इसे हमें लगाना होगा आउटपुट प्लस पर। यहाँ पर देखो ये आउटपुट का प्लस है, तो इस वाले पॉइंट पर हमें इसे लगाना है। ये देखो ये हमारा हो गया आउटपुट प्लस। अब यहाँ पर देखो, अब आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा तो मैं सॉल्यूशन उसका भी करने वाला हूँ। एक हमारा अब यहाँ पर कितना वायर बचा, एक हमारा ये रेड वाला वायर बचा है और एक हमारा ये येलो वाला वायर बचा है। आपको पता है कि मीटर का जो माइनस पिन है उसे मैंने आउटपुट के माइनस पर लगाया है और प्लस वाला पिन मैंने छोड़ दिया है। लेकिन यहाँ से भी देखो ये हमारा आउटपुट का माइनस है जो कि येलो वाला वायर है, तो सीधा समझो आउटपुट प्लस मतलब क्या होता है, आप आउटपुट वहाँ से पॉजिटिव ले रहे हो। लेकिन यहाँ पर मीटर पर मैंने माइनस को लगाया हुआ है, यानी कि ये वाला जो रेड वाला वायर रहेगा ये हमारा माइनस का हो जाएगा। अगर आपको अभी भी कन्फ्यूजन लग रहा है तो चलो मैं कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ पर मैं एक ब्लैक वाला एक्स्ट्रा वायर को इसके साथ यहाँ पर मैं सोल्डर कर दे रहा हूँ, तब तो आपको समझ में आ जाएगा। और अभी मैं आपको टेस्ट भी करके दिखाऊंगा, तो अब आप लोग थोड़ा सा वेट करो, मैं बस इसे सोल्डर करता हूँ, इस पर टेप लगाते हैं और मैं टेस्टिंग करके आपको दिखा देता हूँ। आप देखो अब इसका पूरा कनेक्शन मैंने आपको समझा दिया, आप इसे टेस्ट करेंगे तो टेस्ट करने के लिए रुको मैं थोड़ा सा इसे ऊपर कर लेता हूँ जिससे आपको पूरी तरह से पता चल सके। देखो यह हमारा इनपुट का दो वायर है और यह हमारा आउटपुट का दो वायर है जिस पर मैंने दो एक्स्ट्रा वायर को कनेक्ट किया हुआ है। आप इसे टेस्ट करेंगे किस तरीके से, जब भी आप इसे इलेक्ट्रिसिटी मतलब दोगे आप इस पर कितना वोल्टेज दे सकते हो, 5 वोल्ट दे सकते हो, 12 वोल्ट दे सकते हो। मैक्सिमम मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पर 35 वोल्ट तक इनपुट आप इस पर दे देना, ये आपको सपोर्ट कर जाएगा अच्छा खासा, ये काम भी करेगा। अब इसे पावर सप्लाई देने के लिए मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है मेरे पास यहाँ पर 12 वोल्ट का 2 एम्पियर का एडेप्टर, लेकिन खास हो सकता है कि आप लोग बोलोगे भाई अब 12 वोल्ट मत लगाओ, इसे ज़्यादा वोल्टेज लगा दो तो वो हमारे लिए बेटर हो जाएगा। लेकिन सॉरी मैं आपको इससे ज़्यादा का पावर सप्लाई दे ही नहीं सकता अभी फिलहाल मेरे पास, क्योंकि 12 वोल्ट से ज़्यादा का पावर सप्लाई नहीं है। लेकिन हाँ मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट जब मैं पावर सप्लाई बताऊँगा उस टाइम पर आपको मैं ज़्यादा एम्पियर का और ज़्यादा वोल्टेज का मैं आपको पावर सप्लाई बना करके दिखाऊंगा, लेकिन उस पर मैं कनेक्शन नहीं बताऊंगा, इसलिए मैंने इस वीडियो को पहले ही बनाना अच्छा समझा जिससे आपको पहले कनेक्शन पता रहेगा। तो आप लोग हो सके ट्राई भी कर लो, जिन लोगों के पास ये सामान नहीं है वो भी सामान को ले लेंगे। अब काफ़ी लोग यही सोच रहे हैं कि भाई इतना बात क्यों कर रहा है, चल टेस्टिंग करके दिखा, तो ठीक है मैं आपको टेस्टिंग करके दिखाने वाला हूँ। तो मैं फिलहाल इस वाले इनपुट पर डायरेक्ट से मैं लगा रहा हूँ अपने सोलर पैनल पर, सोलर पैनल का आउटपुट हमारा 14 वोल्ट के करीब में आएगा, तो मैं इस पर 40 वोल्ट इनपुट देने वाला हूँ। चलो मैं लाइव आपको दिखाता भी हूँ किस तरीके से मैं इसका कनेक्शन कर रहा हूँ। देखो यह हमारे सोलर पैनल का कनेक्शन, अब इस पर देखो बैटरी कनेक्ट है, तो मैं यहाँ पर जो सोलर पैनल है उसे भी एक्टिवेट कर दे रहा हूँ। देखो अब इस सोलर पैनल का जैसे मैंने कनेक्शन किया तो इस जगह पर हमारा 13.3 वोल्ट हमारा आ चुका है। और यहाँ पर मैं जो बैटरी यूज कर रहा हूँ वो है हमारे पास छोटी वाली बैटरी है 12 वोल्ट की, जो हमारी UPS वाली बैटरी होती है। तो अब इसे क्या करेंगे, ये हमारा आउटपुट मैं लगा रहा हूँ उस वाले पॉइंट पर ही मैं कनेक्शन कर दे रहा हूँ, जैसा कि आप यहाँ पर आसानी से देख पा रहे हो। इस पर हम क्या करते हैं, सोलर से डायरेक्ट आउटपुट लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा आउटपुट कितना आता है 12 वोल्ट 14 वोल्ट करीब यहाँ पर आता है,
तो हम इसे एडजस्टमेंट कर पाएंगे। ये मैंने पॉजिटिव लगा दिया, अब ये है माइनस वाला वायर, तो माइनस वाले वायर को भी यहाँ से कर देते हैं कनेक्ट। तो ये देखो अब मैंने इसका कनेक्शन कर दिया है। अगर अब मैं आपको यहाँ पर मीटर पर दिखाऊँ, तो मैं मीटर को यहाँ पर शो करवा दे रहा हूँ सामने से, जिससे आपको मीटर दिखेगा और साथ में मल्टी मीटर भी दिखेगा। यहाँ पर देखो ये मैं एडजस्टमेंट कर दे रहा हूँ, यहाँ पर ये हमारा आउटपुट वाला दो पॉइंट है, आउटपुट वाले पॉइंट को मैं इधर से कर ले रहा हूँ साइड, और क्योंकि अभी आपको मैं नोड भी दिखाऊंगा। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर इसे ऑन कर दे रहा हूँ। ये देखो जैसे यहाँ पर मैंने ऑन किया है, तो आपको इस जगह पर आपको LED शो हो जाएगा ग्रीन कलर का, और इस पर देखो एक आपको शॉर्ट सर्किट का भी फंक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। जब आप इस शॉर्ट सर्किट करोगे तो उस टाइप पर क्या होगा कि आपको यहाँ पर रेड कलर की LED देखने को मिलेगी। चलो मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट करके दिखाता हूँ लाइव, वैसे आप करना मत, मैं आपको बस जस्ट एग्जांपल में बता दे रहा हूँ। ये देखो जैसे यहाँ पर मैं शॉर्ट करता हूँ, तो इस जगह पर क्या होगा कि आपको यहाँ पर टोटल एम्पियर दिखाया जाएगा कि आप यहाँ पर टोटल एम्पियर कितने दे रहे हो इनपुट पे। मैं दिखाता हूँ आपको फिर से, और हाँ आप जब इसे लगाओगे तो मैं आपको बोलूँगा कि आप यहाँ पर मोटे वाले वायर का यूज़ करना, पतले वाले वायर का यूज़ मत करना। बस मैं आपको कनेक्शन बता रहा हूँ, तो आपको यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ। देखो मैं टच करता हूँ, यहाँ पर देखना है एम्पियर कितना आ रहा है, देख सकते हो लगभग यहाँ पर हमें 6 एम्पियर देखने को मिल रहा है इनपुट पर। तो चलो अब यहाँ पर कुछ हम इस पर एम्पलाइन लगा कर देखते हैं, यानी कुछ चीज़ें लगा करके देखते हैं और टेस्ट करके देखते हैं। माफ़ी चाहता हूँ कि अभी कॉल आ गया था जिसकी वजह से वीडियो पुश हो चुका था, तो मैं फिर से यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। देखो सबसे पहले टेस्ट करने के लिए मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ एक इस तरीके की LED बल्ब, जो कि हमारा 12 वोल्ट और 20 वाट का है, जो कि कूल वाइट पर जलता है, आपको तो इसका कनेक्शन पता ही होता है। तो चलो मैं आपको सबसे पहले टेस्ट करके दिखाता हूँ इसका प्लस और माइनस हमारा कौन सा है, उसे हम चेक करते हैं। यहाँ पर मैं यहाँ पर 9 वोल्ट की बैटरी से सिंपली चेक कर रहा हूँ। यहाँ पर इसे टच करते हैं और इसे यहाँ से टच करते हैं, ये ग्लो नहीं कर रहा है, यानी कि दूसरे साइड से हमारा पॉजिटिव और हमारा नेगेटिव का पता चल जाएगा। ये देख सकते हो लाइट अच्छी तरह से ग्लो कर रहा है, यानी LED ख़राब भी नहीं है, यानी कि ये वाला पॉइंट हमारा हो गया प्लस और ये वाला हो गया हमारा माइनस। तो क्या करेंगे, यहाँ से प्लस और माइनस को देखते हुए कनेक्शन करेंगे। ये हमारा प्लस वाला पिन है, तो इसे मैं यहाँ पर लगा दे रहा हूँ आपके सामने, आप बस वीडियो को लास्ट तक देखना। ये देखो और ये है माइनस का पिन, माइनस को भी लगा देते हैं। तो ये देखो अभी यहाँ पर पूरा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है, तो इसे मैं यहीं पर रख दे रहा हूँ। और बात करें पावर सप्लाई की, तो यहाँ पर देखो ये हमारा पावर सप्लाई, अब यहाँ से वोल्टेज को करेंगे इंक्रीज, और आपको LED भी साथ में दिखेगा, तो LED से आप वोल्टेज मेजरमेंट कर पाओगे इसका वोल्टेज कितना आ रहा है। ये हमारा वोल्टेज का है और ये हमारा एम्पियर का है, तो वोल्टेज वाले को धीरे से यहाँ पर इंक्रीज करेंगे। और ये मैंने जुगाड़ एक बनाया है, जो हमारे नेल से बना हुआ है, चाकू से बनाया, सॉरी कील से बना हुआ है। चलो मैं यहाँ से इसे बढ़ा रहा हूँ। आप देख सकते हो जैसे जैसे मैं यहाँ पर टर्न कर रहा हूँ, यहाँ पर जो वोल्टेज है वो इंक्रीज कर रहा है। ये देखो मैं लाइट्स को ऑफ कर देता हूँ ना, ठीक रहेगा। हाँ चलो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर 2 LED जो है वो ग्लो करना स्टार्ट कर चुका है, और जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा आप LED की जो ब्राइटनेस है वो आप लोग देखना, और मैं आपको एम्पियर भी बढ़ा करके दिखाऊंगा, एम्पियर आपको मेजरमेंट चलेगा। ये देखो 8 वोल्ट मैंने दिया और लगभग यहाँ पर 0.13 एम्पियर ये LED अभी इनपुट ले रहा है। ये देखो जैसे जैसे यहाँ पर वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे आपको यहाँ पर एम्पियर भी इंक्रीज करना होगा और साथ में आपको वोल्टेज को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। अभी देखो वोल्टेज को लगभग मैंने 8.5 वोल्ट पर सेट किया हुआ है, और एम्पियर जो है वो हमारा 2.3 है। क्यों? क्योंकि हमारा एम्पियर बिल्कुल भी बढ़ा हुआ नहीं है, तो अब यहाँ से हमें एम्पियर को भी थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। एम्पियर को मैं यहाँ पर बढ़ा रहा हूँ। ये देखो जैसे जैसे एम्पियर को बढ़ाएंगे, आप थोड़ा देखना कि आपको यहाँ पर जो ब्लिंकिंग टाइप का दिख रहा है वो धीरे से बंद भी होगा और एम्पियर यहाँ पर इंक्रीज करेगा। एम्पियर और वोल्टेज भी देखो, एम्पियर जो है वो धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो चुका है और वोल्टेज भी थोड़ा बढ़ेगा, क्योंकि हमने शुरू में वोल्टेज को फुल किया था लेकिन एम्पियर हमने यहाँ पर नहीं दिया था। और ये LED ज़्यादा देर भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये गर्म भी काफ़ी तेज हो जाता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ लाइव, ये देखो एम्पियर मैंने दे दिया है और वोल्टेज देखो यहाँ पर कितना ज़्यादा है, 12.1 वोल्टेज है और LED की ब्राइटनेस फुल है। मैं यहाँ से ऑफ़ करता हूँ, देखो ये ऑफ हो चुका है और यहाँ से मैंने फुल कर दिया है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, यहाँ से मैंने फुल किया हुआ है और अभी फ़िलहाल यहाँ की जो वोल्टेज है वो लगभग 14.2 वोल्टेज है। मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये देखो आपके सामने यहाँ पर, रुको मैं यहाँ से कर दे रहा हूँ कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर आप इसकी जो वोल्टेज है वो देख सकते हो। देखो 12.1 वोल्ट
और एम्पियर लगभग 1 एम्पियर के करीब ये हमारा एलईडी ले रहा है। आप जल्दी से यहाँ पे कम कर देते हैं क्योंकि एलईडी काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रहा है तो ये ख़राब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हीट सिंक बिल्कुल भी लगा हुआ नहीं है। तो देखो मैंने कुछ इस तरीके से आपको इसका दिखा दिया टेस्टिंग। अभी मैं आपको मोटर पर भी दिखा देता हूँ, मोटर पर किस तरीके से आप इसे चेक कर पाओगे। सबसे पहले वोल्टेज कम करते हैं, यहाँ पर एम्पियर को भी कर देते हैं पूरी तरह से कम। यह मैंने कर दिया, अब वायर को यहाँ से खोल देते हैं। गर्म काफ़ी तेज है। मुझे लगता है अगर और मैं लगभग 1 मिनट के लिए छोड़ देता तो पक्का है कि ये एलईडी हमारा ख़राब होने वाला था, क्योंकि यहाँ पर ये काफ़ी तेज़ गर्म हो चुका है। अभी इस पर क्या करेंगे, इस एलईडी को रखते हैं साइड पर और मैं लगाने वाला हूँ गियर मोटर। देखो ये मेरे पास गियर मोटर है जो मैंने मेकर बाजार से परचेस किया था, यहाँ पर देख भी सकते हो 12 वोल्ट और 1000 RPM का है। तो इसे यहाँ से खोल देते हैं। सबसे पहले मोटर की अनबॉक्सिंग आपके सामने हो रही है, देखो नया नया है, इसे मैंने बिल्कुल भी किसी प्रोजेक्ट पर यूज नहीं किया है। आप अगर मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो आपको पहले से पता ही होगा। आप यहाँ से इसे थोड़ा सा टर्न करते हैं जिससे मैं आपको अब इसका कनेक्शन में दिखा पाऊँ और अच्छी तरह से मैं चेक करके दिखा पाऊँ। तो यहाँ पर इसका पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्ट कर देते हैं एक साथ। ये नेगेटिव कनेक्ट कर दिया मैंने, अब इसका जो पॉजिटिव है इसे भी लगा देते हैं। ये देखो मैंने यहाँ पर जैसे ही लगाया है यहाँ पर ये रोटेट कर रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो जैसे मैं कनेक्ट करता हूँ वैसे यहाँ पर जो हमारा मोटर है वो चलना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा वोल्टेज है वो 1.3 वोल्टेज है और 1.3 वोल्टेज पर भी ये काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। तो लाइट को ऑन कर देते हैं और यहाँ पर हम वोल्टेज को धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं। ये देखो जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज़ होगा यहाँ पर मोटर का जो स्पीड है वो बढ़ेगा, क्योंकि वोल्टेज हमारा इंक्रीज़ कर रहा है। इस पर एम्पियर आपको शो नहीं होगा, क्यों? जब हम इसे ऑफ़ करेंगे तब हमें पता चलेगा कितना एम्पियर हमें इस पर इनपुट देखने को मिल रहा है। ये देखो जैसे जैसे ये इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे आपका यहाँ पर स्पीड होगा, मोटर काफ़ी तेज़ होगा। ये देखो ये देख सकते हो लगभग मैंने यहाँ पर 12 वोल्ट, रुको मैं कम करता हूँ क्योंकि ये मोटा हमारा 12 वोल्ट का है तो 12 वोल्ट पर ही रखेंगे। देखो अभी मैंने इसे 12 वोल्ट दिया है और यहाँ पर एम्पियर कितना आ रहा है, तो एम्पियर इस पर सेट मैंने नहीं किया है। तो चलो यहाँ से इसे ऑफ करके देखते हैं थोड़ा सा। ये देख सकते हो अभी जो एम्पियर है वो है 0.2 एम्पियर के करीब ये ले रहा है। तो थोड़ा सा एम्पियर को भी इंक्रीज करते हैं। ये मैंने थोड़ा सा एम्पियर को इंक्रीज़ किया है, अब मैं फिर से इसे बंद करता हूँ। ये देख सकते हो एम्पियर मैंने बढ़ाया तो ये रुक भी नहीं रहा है, धीरे से देख सकते हो अभी कितना एम्पियर है, जबकि रुका नहीं। देख लो यहाँ पर धीरे धीरे ये टर्न कर रहा है, अभी है 0.56 एम्पियर, यानी कि 1 एम्पियर के करीब इनसे करके देखते हैं तो मेरे ख्याल से ये रुकेगा भी नहीं मोटर। मैं बढ़ा रहा हूँ आपके सामने यहाँ पर, यह मैंने बढ़ा दिया लगभग 1 एम्पियर के करीब हो जाना चाहिए। अब इसे फिर से पकड़ते हैं, यहाँ पर ये अब बिल्कुल भी रुक नहीं रहा है, काफ़ी तेज़ है। यहाँ पर मैं प्रेस कर दे रहा हूँ लेकिन बिल्कुल भी ये रुक नहीं रहा है। तो लगभग देख सकते हो कि आप इस तरीके से एक नॉर्मल सा पावर सप्लाई बना सकते हो। आगे की वीडियो पर मैं आपको एक पावर सप्लाई भी बना करके दिखा दूंगा। तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम हुआ तो प्लीज़ आप नीचे कॉमेंट कर देना, कॉमेंट कर दोगे तो मैं आपको क्लियर से बता पाऊँगा। और नहीं समझ में आता है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, इसके सारे सर्किट डायग्राम वो देखने के लिए। चलो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।